दोस्तों जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखा कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मुझे कितने सालों तक काम करना होगा। उस वक्त मेरी सैलरी 25,000 रुपए महीना थी। अगर मैं महीने के 15,000 रुपए खर्च करता हूँ और 10,000 रुपए की सेविंग करता हूँ तो मुझे करोड़पति बनने में कितना टाइम लगेगा। तो जो इसका आंसर निकल कर आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, वो था 83 साल 3 महीने। यानी मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 83 साल 3 महीने तक मेहनत करनी होगी और तब तक मेरी एज हो जाएगी लगभग 105 साल, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस कैलकुलेशन के बाद मुझे थोड़ी सी टेंशन तो हुई, लेकिन फिर मैं ढूंढने लगा कोई ऐसा तरीका जिससे मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन सकूं। और तभी मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू किया और मेरे सामने निकल कर आई एक किताब जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी हो। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा 1997 में लिखी गई। ये बुक अमीर बनने और पैसे कमाने के कुछ ऐसे रूल्स बताती है जो कि गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये किताब हमें अमीर बनने की वो नॉलेज देती है जो कि हमें अपने स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल्स हमें केवल एक अच्छा नौकर बनना सिखाते हैं। और जिन लोगों में रिच डैड पुअर डैड बुक में बताई गई पैसे की नॉलेज नहीं होती वो हमेशा एक रेट रेस में फंसे रहते हैं। यानी पढ़ाई करना, एक अच्छी नौकरी लगना और फिर से अपने बच्चों को एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करना। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग शुरू में अमीर नहीं है और वो अब अमीर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बुक एक वरदान की तरह है। और यदि आप भी उन लोगों में आते हो जो अपनी गरीबी को हराकर अमीर बनना चाहते हैं, तो इस बुक में बताए ये 4 लेसन आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि आज आप वो बातें सीखने वाले हो जो कि दुनिया के 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते और अपनी पूरी जिंदगी केवल एक नौकरी के पीछे डरते हुए निकाल देते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो तब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी और तभी तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर नौकरी नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी करके पैसे कमाने होंगे। लेकिन रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप एक नौकरी करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी चाहे लाखों रुपए सैलरी हो जाए फिर भी आप हमेशा पैसे के लिए काम करोगे। जिस दिन आप काम करना छोड़ दोगे उस दिन आपकी इनकम भी रुक जाएगी। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा इनकम सोर्स बना लेते हो जिसमें चाहे आप काम करो या फिर ना करो लेकिन रेगुलर इनकम आती रहे, तब आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के 90% लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। वे लोग अपने शुरुआती 20 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं और जब जॉब मिल जाती है तो पूरे दिन 8 घंटे की जॉब करते हैं, हर रोज जल्दी उठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और इसी भागदौड़ की जिंदगी को जीते हुए वे अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, जिसे रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट रेट रेस का नाम देते हैं। वे लोग खुद इस रेट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक वे इतने सारे लोन्स और कर्ज में डूब जाते हैं कि उन्हें मजबूरी में पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और अब आता है लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल समय कभी भी अमीर बनने और बिजनेस करने के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि हमारे स्कूल समय सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छी नौकरी ढूंढना है और उसके बाद कैसे ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी को करते हुए पूरी लाइफ निकालनी है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमारे स्कूल समय कभी भी नहीं सिखाते कि कैसे हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कैसे हम और ज्यादा अमीर बन सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो एक टाइम पर मिलीनियर थे
लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वे फिर से गरीब हो गए। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच लोग। पुअर, जो लोग पुअर होते हैं उनकी इनकम बहुत ही कम होती है, इसलिए उनकी सारी इनकम अपने घर के खर्चों में और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरी करने में ही निकल जाती है, और इसलिए ये लोग अपनी पूरी लाइफ अपनी सैलरी के इंतजार में निकाल देते हैं, यानी ये कुछ भी पैसा नहीं बचा पाते। मिडिल क्लास, जो लोग मिडिल क्लास होते हैं उनकी इनकम का 70% हिस्सा उनके रेंट, कार और घर की ईएमआई पे करने में चला जाता है, और बचा हुआ 30% हिस्सा उनकी बेसिक जरूरतों में निकल जाता है। ये लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड के बड़े बड़े लोन्स ले लेते हैं और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन लोन्स को क्लियर करने में निकाल देते हैं। यानी ये लोग बहुत ही कम सेविंग्स कर पाते हैं, जो कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी और काम में चली जाती है। और उसके बाद आते हैं रिच पीपल। जो लोग रिच होते हैं उनकी ज्यादातर इनकम उनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे देना, या कोई कार या बस खरीदकर उसे रेंट पर दे देना, या फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट बनाना। यानी ये लोग ऐसी जगह से इनकम जनरेट करते हैं जहाँ इन्हें खुद कोई भी काम नहीं करना पड़ता और वहां से रेगुलर इनकम जनरेट होती रहती है, और इसीलिए ये लोग लगातार अमीर बनते जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि यदि आप पूरी जिंदगी बाकी लोगों की तरह पैसे के लिए काम करते रहोगे तो आप भी पूरी जिंदगी उसी रेट रेस का हिस्सा बने रहोगे। और अब आता है लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे अपना कमाया हुआ पैसा खोना पसंद हो, और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान को जानता हूँ जिसने आज तक कभी भी अपना पैसा नहीं खोया हो, यानी जिसका पैसा कभी भी नहीं डूबा हो। और दुनिया के 90% लोग अपने पैसे को केवल इसीलिए कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, हमेशा अपने सेविंग्स अकाउंट में ही पैसे को बचाकर रखने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैसे को खोने का फियर होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर अमीर इंसान में भी अपने पैसे को खोने का डर होता है, लेकिन अमीर लोग अपने उस डर को हैंडल करना जानते हैं और गरीब लोग अपने उस डर से एक सही डील नहीं कर पाते, और यही डर एक अमीर इंसान को एक गरीब इंसान से अलग बनाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप अपने 20s में होते हो तब आपके अमीर बनने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन जब आप 30 साल या 40 साल की एज में होते हो तब आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती है, और उस वक्त आपको हर एक काम सोच समझकर करना पड़ता है, तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। और इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हैं कि उनके पुअर डैड ने इसी डर की वजह से कभी भी कुछ नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी एक नौकर बनकर निकाल दी। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें अपने अमीर बनने की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अपने पैसे को खोने और पैसा डूब जाने के डर को ओवरकम करके उसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम कर सके और हमें और पैसा कमाकर दे सके। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कभी भी वो हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हर एक चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमें तो केवल एक जॉब करनी है जिससे बस हमारा खर्च चल जाए और एक ठीक ठाक जिंदगी मिल जाए। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कहीं हम और ज्यादा गरीब ना बन जाए, और इसी तरह की सोच की वजह से वे लोग कभी भी एक्शन नहीं ले पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड का मानना था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, यानी तुम्हें अपनी जॉब या पैसे को खोने का डर छोड़ना होगा, वरना तुम्हें भी 90% लोगों की तरह जिंदगी भर हार्डवर्क करना होगा, और ऐसा करके तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिसके लिए तुम काम करते हो यानी तुम्हारा बॉस अमीर होता रहेगा, इसलिए तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन एक टाइम बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे और तुम्हारी हमेशा इनकम आती रहेगी। इस पर रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते हैं कि क्या ऐसा करना रिस्की नहीं होगा, तो रिच डैड कहते हैं कि आज तुम्हारे डैडी इसलिए गरीब है क्योंकि वे अपने पैसे को बचाने के लिए सस्ती चीजें खरीदते हैं, जैसे कपड़े, जूते और घर का सामान, लेकिन मैं सस्ती चीजों का इंतजार नहीं करता बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ ऐसे शेयर्स को खरीदता हूँ जो अभी तो सस्ते हैं लेकिन आगे चलकर उनकी कीमत बढ़ने वाली है, और इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम्हारे डैडी गरीब है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, चाहे वह बिजनेस हो या फिर और कोई इनकम सोर्स, लेकिन अमीर लोग हर रिस्की काम को सीख कर उसे आसान बना देते हैं और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। यानी रिच डैड पुअर डैड बुक हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, हमारे पास कोई डिग्री हो या फिर नहीं, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें बस कुछ रूल्स को समझना है और सही फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है,
यानी पैसे को सही से मैनेज करना और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, जिससे हमारा पैसा हमें और पैसा कमाकर दे सके। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपको एक बार ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसे को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।